क्लियर नहीं आया ये वाला एकदम कोई भी नहीं देख पाया वाला इक्वेशन। इसको तो बंद करके हमको एक मिनट व्हाइट बोर्ड में लिख देते हैं हम। देखो इसका जो इक्वेशन होते हैं वो है एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन आर ही लिखो इसको, एप्सिलॉन क्लियर कर देते रुको। एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सी एस बाय सी एस क्लियर। अभी सी एस क्या है, मेजर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विद स्पेसिफाइड एज ए डाइलेक्ट्रिक। ओके डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। एंड ए क्या है मेरा, ए है ना इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड का जो एरिया होगा उसका इफेक्टिव जो एरिया होगा वो होगा ए। और ए नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके ठीक है, जैसे इक्वेशन याद रखो ये वाला इक्वेशन। क्या सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? सी एस है मेजर वैल्यू, लिखो मेजर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विथ स्पेसिमेन एज डाइलेक्ट्रिक। जो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी है, मतलब कैपेसिटेंस का जो वैल्यू मेजर किया है उसका वैल्यू वहां पर पुट हो जाएगा जब कोई भी इस टाइप से मैथ रहेगा तब, अदरवाइज जैसे कॉमन है वैसे चलेगा। मेजर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस विथ स्पेसिमेन एज डाइलेक्ट्रिक, एज स्पेसिमेन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ओके तो हम तुम लोग को एक मैथ देते हैं, तुम लोग उसको सॉल्व करो। देखो तो स्क्रीन में गायब है, ओके ये वाला मैथ पहले वाला हम बताया तुम लोगों को, ये वाला इसके बारे में बता दिया, और जो नोट्स था वो वाला बताया था। तो ये वाला जो हम टैकल कर दिया ये वाला तुम लोगों का मैथ है। क्या मैथ में क्या है, तुम लोग स्क्रीन शॉट रखो तो नहीं तो कॉपी में लिख लो देख के। क्या है ना, इस सीट ऑफ बैकलाइट 4.5 मिलीमीटर थिक इज टेस्टेड एट 50 हर्ट्ज, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 0.1 मिलीमीटर इन डायमीटर। जो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड में जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर मतलब उसके दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, तो उसके बीच में जो भी डायमीटर है उसका वो बोल दिया गया है यहाँ पर 1.0.12 मिलीमीटर डायमीटर। ओके उसके बाद बोला है कि ना शेयरिंग ब्रिज इम्प्लॉय ए स्टैंडर्ड एयर कैपेसिटर सी टू ऑफ 100.6 पिकोफेराडे कैपेसिटेंस एंड ए नॉन रेजिस्टिव बा नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस आर फोर ऑफ 100 1000 बाई ओहम पाई ओहम इन पैरेलल विद द वेरिएबल कैपेसिटर सी फोर 0.5 माइक्रोफेराडे एंड ए नॉन रिएक्टिव वेरिएबल रेजिस्टेंस आर थ्री। बैलेंस इज ऑब्टेन विथ सी फोर इजकल्स टू इतना वैल्यू है, आर थ्री वैल्यू का इतना होगा। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस पावर फैक्टर एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द सीट।
पढ़े हो? ठीक से पढ़ो, पहले देखो क्या क्या मिल रहा है। और हम लोग कल जो इक्वेशन किए थे, जो सेरिमिज पढ़ाए थे, उसमें जो इक्वेशन वन एंड टू आया था, ठीक है, इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन टू क्या था, आर वन एंड सी वन था वहाँ पर वैल्यू। एकदम सिंपल है, इजी है, थोड़ा सा देख कर हो जाएगा, सब दिया हुआ है एकदम। कल का जो शेयरिंग ब्रिज का जो फिगर था, उससे थोड़ा मिलाओ इसको, फिगर टू, मतलब जो भी कल बना थे तुम लोग को। की दौड़का नहीं कर रहा, सिंपली क्लिक। हेलो। बोलो। R4 1000 बाई पाई ओम, वन थाउजेंड पाई ओहम, मतलब R4 का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना हुआ, ओहम तो रेजिस्टेंस का यूनिट है, मतलब 1000 बाई पाई। हाँ ठीक है, देखो इक्वेशन वन एंड टू से तुम लोगों को क्या क्या वैल्यू मिल जाएगा, सी वन एंड आर वन मिल जाएगा ना इजीली। जो भी बोला गया, कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना होगा, पावर फैक्टर निकालना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालने, पहले सी वन का वैल्यू निकालना होगा। सी वन का फॉर्मूला क्या था, आर वन का जो वैल्यू था, आर वन सी वन आर वन एक साथ था, तो आर वन का फॉर्मूला क्या था, R4, बोलो। आर वन का वैल्यू क्या था, R4 नहीं तो था, C4 बाई C2 इंटू R3 था R1 का। ठीक से देखो, वेटिंग में रुको, हम देख मिनट। ठीक। आरोन का बोलो, क्या बोलो, फिर से बोलो। बाई C2, नीचे में C2 था, ऊपर में C4 इंटू R3 था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यू है, उसको बैठा दो।
आयरन का वैल्यू निकालो कितना आता है देखो, आर वन का फॉर्मूला तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, आर वन इक्वल्स, एक मिनट हम लिख देते हैं, आर वन इक्वल्स टू सी फोर बाई सी टू इंटू आर थ्री। देखो ये सब का वैल्यू दिया गया है, सी फोर का वैल्यू कितना है बिट्टू, सी फोर का वैल्यू कितना है, तो माइक्रोफैराड को हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर लो, 10^-6 से मल्टीप्लाई कर दो, फैराडे हो जाएगा। और सी टू का वैल्यू क्या है, सी टू का वैल्यू नहीं, सी टू, सी टू हाँ हाँ, तो 106 इंटू क्या होगा पिको फैराड, मतलब फैराडे करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 10^-12। थैंक यू, इसे मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद आर थ्री का रेजिस्टेंस वैल्यू तुम लोग को पता है, तो दोनों को बैठा के क्या रेजिस्टेंस आ रहा है हमको बताओ, ये पहले आर वन का वैल्यू निकालो, उसके बाद सी वन का वैल्यू निकालो, ये मेरा मेन फॉर्मूला था फर्स्ट, इसमें हम लोग सबका वैल्यू पता है, जस्ट पिको फैराडे और माइक्रो फैराडे को फैराडे में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद जस्ट कैलकुलेशन करना है, उससे हम लोग को रेजिस्टेंस वैल्यू मिल जाएगा, आर वन का वैल्यू मिल जाएगा। इसके सब का वैल्यू दिया है, जस्ट बैठा हो उसके, बैठा के कैलकुलेशन करो आ जाएगा। इतना लेट क्यों हो रहा है, कितना आएगा आंसर बताओ, ऊपर तो 10^-6 है, नीचे -12 है, तो 6 से 12 हटा दो ना, कुछ 6 हट जाएगा, तो क्या होगा इसे ऊपर कर देंगे क्या होगा, 10^-6 हो जाएगा ऊपर, इसमें 10 आ जाएगा, नीचे में कट जाएगा, 26 × 5/106, 5/106 × 10^6 होगा, तो इसे कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, कॉपी देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, धुंधा हटा देते हैं, तुम लोग करो खुद से, किसी का नहीं आया अभी आंसर, आर वन का कितना आया है, आज सी वन का बताओ कितना आया है, वन 29 हाँ ठीक ठीक है, मतलब 130 पिको फैराड करेक्ट, ओके 130 पिको फैराड, सी वन का रिजल्ट ठीक है, सी वन का वैल्यू 130 पिको फैराड, ओके नेक्स्ट आर वन का, बाकी लोग सब कर रहे हो, ओके कोशिश करो, इक्वेशन तो लिख दिए, कैपेसिटर का जो इक्वेशन है आर वन एंड सी वन का, दोनों इक्वेशन बैठाओ, उसके बाद आर वन सी वन का पहले वैल्यू निकालो, उसमें तुम लोग को दिया गया है मैथ में ऑलरेडी, सी फोर क्या है, सी टू क्या है, आर थ्री क्या है, जस्ट पिको फैराड है, माइक्रो फैराड, इसको फैराड निकाल लेना, 10^-6, 10^-12 हो जाएगा तुम्हारा आर वन का वैल्यू, और सी टू में जस्ट वैल्यू बैठाना है, आर फोर का जो रेजिस्टेंस है वो 100 1000/π है, उसको लिख देना 1000/π × 260, और सी टू का जो वैल्यू है तुम लोग के पास वो लिखा लिख दो वहाँ पर, 106 × 10^-12 फैराडे, तो आ जाएगा 130 पिको फैराडे, ऑलरेडी बिट्टू का आ गया है वो आंसर, 130 पिको फैराडे। फिर आर वन का वैल्यू निकालो तुम लोग, सब कुछ सब निकालो, आर वन और सी वन, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पावर फैक्टर निकालेंगे, नेक्स्ट कैपेसिटेंस का रेडिएटिव परमिटिविटी भी आ जाएगा, हो जाएगा खत्म कर कहानी, तीनों तो पॉइंट निकालने बोला है बस। वेटिंग में तो कोई नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो विवेक को हम,
अभी तो वो इसमें ही तो देख रहे हैं, इसमें कोई नहीं है अभी। वीवो पहले आए थे, वीवो को एक्सेप्ट किए थे हम। -6 और पीको मतलब 10^-12। एक इक्वेशन और दूसरा था C1 = R4/R3 C2, यही दो इक्वेशन था। इसका आंसर आ गया तुम लोगों का 1/3 आयरन का 12.26। 12.26 कैसे? 10^6 को रख दो, उसके बाद करो। 10^6 एक आ रहा है ना, ऊपर 10^-6 और नीचे में 10^-12, ठीक है? तो 10^-6 -8 -12 में हट जाएगा, तो 10^-6 आ जाएगा, और 10^-6 को हम ऊपर लिख देंगे तो 10^6 हो जाएगा, ठीक? 10^6 को फिक्स रख के बाकी का कैलकुलेट करो, इजी हो जाएगा। हाँ वन, हाँ इसका जो आंसर हो रहा है वो हो रहा है 1.23। कितना है? 1.23 है ना? हाँ जब, हाँ 1.23 × 10^6, 10^6, 1.23 × 10^6 R1 का वैल्यू। तो हम इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पर पहले R1 का जो वैल्यू आया है सबको मिला, जिसका जिसका आया है 1.23 × 10^6 ए ओहम, ए R1 का वैल्यू, और C1 का जो वैल्यू आया है 130 pF। ये दोनों वैल्यू सबको आया कि नहीं पहले बताओ। एक वैल्यू, एक दूसरा वैल्यू, ये R1 है। क्या डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैलकुलेटर है तुम लोग के पास कि नहीं है? किसी के पास कैलकुलेटर है कि नहीं है तुम लोग के पास? नहीं, एक दर्जन के, एक दो, हाँ बट क्या प्रॉब्लम, क्या बताओ? नहीं चाहिए हम 10^6 -6, हम तुमको 10^6 10^12 को रख दो ना, तो उसको इजीली तो कर सकते हैं हम। 12 से 6 हटा दो और 6 रह जाएगा, तो उसको ऊपर रख दो, बाकी कैलकुलेशन का सबका हुआ। हम तो एक दो दो जन से आंसर मिल रहे हैं, बाकी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमको। बाकी लोग तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? ओके विवेक को क्लियर ऐड कर लेते, रुको। सबका हुआ? शिखा, राकेश, राजेश, सुशील, सुशील का क्या खबर? सुशील कुमार दास, विशाल महतो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कोशिश करने से क्या होगा, करो आंसर। क्लास नहीं क्यों किए तुम? तुमको देखा नहीं कुछ दिन से क्लास में, हम कुछ दिन से क्लास नहीं कर रहे हो तुम? क्या प्रॉब्लम है घर में? ओके बाकी का हुआ? विशाल कोशिश कर रहे हो, और राजेश लेटरल स्टूडेंट, क्या सबका हुआ ना? R1 C1 का वैल्यू निकाले क्या? नहीं निकाले तुम लोग?
तो हम नेक्स्ट बोले पावर फैक्टर कैसे निकालना होगा, बट डिसिपेशन फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर को क्या सीखा हुआ? ओके तो हम लोग आर वन एंड सी वन को निकाल लिया, ये दोनों का हम लोग मिल गया आंसर। ओके नेक्स्ट हम लोगों को क्या निकालना है मैथ में, देखो ना हमको बोला है जो मैथ था उसमें पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर मतलब हम लोग कल जो सीखे थे पहले कैपेसिटेंस को निकाल लिए, फिर पावर फैक्टर मतलब क्या है जो डिसिपेशन फैक्टर था, और डिसिपेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था कल जो बताए थे हम, यस लैम्डा वन टेन इक्वल्स टू क्या था, ओमेगा सी वन आर वन। तो जस्ट सिंपल वैल्यू बैठा दो इसमें, ओमेगा का वैल्यू पता हो तो क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या है पता है, ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू का वैल्यू है 2πf। एफ का वैल्यू कितना होगा, ओके और पाई का वैल्यू 3.14। तो बैठा के इसका वैल्यू निकालो, पावर फैक्टर वैल्यू कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, मेरे कॉपी तुम लोग देख पा रहे हो, देखो तो ओके तो इसमें इसका वैल्यू बैठा है, इसमें वैल्यू बैठा है, इसका वैल्यू हम लोग को मिला 130 पिको फेराडे, और इसका वैल्यू में कितना मिला हम लोग को 1.23 × 10⁶ ओम। दोनों वैल्यू मिल गए हैं, अभी हमको पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर फार्मूला का हम लोग पता है ना, टेन ऑफ टेन लैम्डा वन इक्वल्स टू हम लोग पता है डब्ल्यू ऑफ ओमेगा सी वन आर वन। ओमेगा सी वन का वैल्यू 2πf इंटू सी वन का वैल्यू कितना है, सी वन का वैल्यू जो भी होगा बैठाएंगे, आर वन का वैल्यू जो भी होगा बैठाएंगे, तो 2π × 3.14 × 50 इंटू सी वन का जो वैल्यू है 130 क्या है पिको फैराडे, 130 पिको फैराडे मतलब हाँ मतलब क्या 12 × R1 1.23 × 10⁶। इसका कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा मेरा पावर फैक्टर हो जाएगा, इसका वैल्यू करो कितना आता है देखो तुम लोग, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो रिलेटिव परमिलिबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, रिलेटिव परमिलिबिलिटी, रिलेटिव परमिलिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था ना, हम लोग तुम लोग को जो उधर साफ दिखाए थे रिलेटिव ए एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू सी एस जो था एक्चुअली सी वन वही जो मेजर वैल्यू था सी वन डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सी एस जो था एक्चुअली मेजर वैल्यू था मतलब सी वन डी बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और यहाँ पर सी वन का वैल्यू तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, सी वन का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम तुम लोग को बता दिए जो एयर फ्री एस एस में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है ना, 8.85 × 10⁻¹⁰ क्या -12।
ये है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फ्री स्पेस में मतलब एयर में, तो इसमें उसको बैठे बैठाना है। और एरिया का कुछ वैल्यू दिया गया है, पाई बाई 4R² होता है रेडियस का, तो उसमें सी वन का जो वैल्यू है हम लिख देते हैं 130 × 10⁻²⁻¹² इंटू जो डी है, डी देखो वहाँ पर लिखा है 4.5, डी का वैल्यू डायमीटर दिया है, इंटू इसको 10⁻³ कर देते हैं और नीचे में पूरा वैल्यू को बैठाते हैं एप्सिलॉन 8.85 इंटू 10⁻²⁻¹² इंटू पाई बाई 4 जो एरिया होता है, एरिया मैथ में तुम लोग किए होगा पाई बाई 8² होता है, तो पाई बाई 4 इंटू इंटू 8² मतलब मेरे पास जो डायमीटर है 1.12 इंटू होल स्क्वायर। ये इसको कैलकुलेट करोगे तो हम लोग को पूरा पूरा कॉपी आ रहा है ना सबके पास। नहीं आ रहा है सबके पास? ओके, जो कैलकुलेशन हम कर दिए ना ये वाला इक्वेशन, इसको जब तुम लोग को कैलकुलेट सॉल्यूशन करना है तो तुम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा इसका। इसको कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो दोनों का वैल्यू, पहले दोनों का वैल्यू आया ये वाला, फिर इसका कैलकुलेट करो, फिर इसका कैलकुलेट करो, तो आ जाएगा इसका वैल्यू। तो जो तीनों वैल्यू हम लोग चाहिए था वो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से।